पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ एच डब्ल्यू दिए थे, देखिएगा उसको बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था 10^4x, इसका अवकलन करना था। आपको हम क्या बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा वाई बराबर, नहीं बोले थे ना कि चाहे जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको मान लीजिएगा वाई बराबर। इसको मान लेते हैं हम लोग, माना वाई बराबर 10^4x। अब क्या लिखे थे, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो देखिए था क्या समीकरण, वाई बराबर 10^4x। देखिए दोनों ओर डी बटे डी एक्स लगाते हैं, डी बटे डी एक्स आपको पिछले क्लास में बताए थे, डी बटे डी एक्स 10x का फॉर्मूला sec y x। अब आप ये ध्यान दीजिए 10 के बगल में यहाँ जो है वही फॉर्मूला में आ जाता है, मतलब 10 बदल गया sec square में, 10 के बगल में और d के बगल में दोनों एक जैसा रहना चाहिए, अब वही यहाँ उतार देते हैं। तो देखिए 10 के बगल में, 10 के बगल में ये नहीं था 10x^4, 10x^4 ये था 10x^4। तो देखिएगा डी बटे डी ये जो है ना, ये अभी जो हम लिखे थे 10^4x ये आएगा कहीं पर, उसको करेंगे, इसको भी हल कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत आसान है, या फिर इसके बाद वही कर देंगे। अरे देखिएगा 10 के बगल में क्या है, x^4, तब 10 के बगल में x^4 है तो यही d के बगल में रहना चाहिए। अब ये तो अपने मन से दिए हैं, अब इसको खत्म कर दिए ऊपर भेज के, 10 किस में बदल जाता है sec square में। और देखिएगा d के बगल में जो है वही इधर उतार देते हैं, तो d के बगल में कौन है x^4, और आप जानते हैं x^4 का क्या होता है, पिछले वीडियो में एक घंटा तक यही सब बताए हैं x^4 का। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं मत देखिए, इसके पहले एक वीडियो बना हुआ है जिसमें पार्ट वन लिखा हुआ है, ये पार्ट टू बता रहे हैं थ्योरी का, 5.2 का थ्योरी चल रहा है जिसका पार्ट टू है ये। x^4 का क्या आ जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, x^1 घटेगा, इसी को सजा के लिख दीजिए 4x³ sec²x^4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर क्या दिए थे, sin² sin x² देखिए सेकेंड एच डब्ल्यू जो था sin x² था, ठीक। इसको भी क्या कीजिएगा, माना वाई बराबर sin x² दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बटे डी एक्स, अब ये सब आप लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है। अब देखिए साइन के बगल में x² है तो यहाँ नीचे क्या डाल दीजिएगा x², अब यही x² एक बार ऊपर चला जाएगा। आपको हम फिर से बोलना चाहेंगे कि यदि समझ में नहीं आ रहा है सर ये कहाँ से आ जाता है नीचे में, तो आप सीधे सीधे चले जाइए पिछला वीडियो देखने के लिए। तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, जो यहाँ बगल में है वही x² का। देखो 2 नीचे आता है, x^1 घटता है, मतलब 1 होगा, 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को सजा के लिख दीजिए 2x cos x², ठीक। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, 3 नंबर, जो कि एच डब्ल्यू बनाने के लिए आपको दिए थे, वो भी बहुत आसान ही था, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन आसान लगेगा यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। था sin 2x + 5, इसी टाइप का था कुछ, या हो सकता है यही हो, हमको याद नहीं है, ये नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप का था, सिर्फ टाइप से मतलब है नहीं, उसके बाद जो आप लोग बना ही लीजिएगा। है देखिए माना वाई बराबर sin 2x + 5, फिर क्या लिखते हैं, दोनों ओर
ये बात मैं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ तो दिख ही रहा है कि दोनों ओर हम काम कर रहे हैं। 2x + 5, देखिएगा साइन के बगल में जो है, साइन के बगल में कौन है, 2x + 5, तो यही नीचे रहना चाहिए 2x + 5, तभी साइन का कॉस लिख सकते हैं। कैसे आप जानते हैं, डी बटे डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, क्यों, यहाँ जो है वही यहाँ रहना चाहिए तब कॉस में बदलेगा, यहाँ जो है वही यहाँ रहना चाहिए तब कॉस में बदलेगा। अब क्या करते हैं कि ये तो अपने मन से आया है, इसको ऊपर भेज दिए, डी एक्स को नीचे में पहले से था। देखिए अब इसको हल करना सिखाते हैं, बोलिए ना अब सर ये भी कर लेंगे, और आप लोग बोलिएगा तो आवाज मेरे पास नहीं आएगा। देखिए साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और एक्स की जगह क्या है 2x + 5। आइए देखो इसको कितना आसानी से हल करेंगे, ये जो डी बटे डी एक्स है, डी बटे डी एक्स देखो 2x में भी लगा हुआ है, प्लस है प्लस दे दिए, फिर डी बटे डी एक्स किस में लगा हुआ है छोटू, 5 में भी लगा दिए। आइए देखिए कॉस 2x + 5, यहाँ ध्यान से देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ना, बाहर कर दिए, बचेगा क्या, खाली डी बचेगा, अब यहाँ एक्स था, और कॉन्स्टेंट जब अकेले रहेगा तो उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो कॉस 2x + 5, यहाँ क्या बचा, 2, देखो अंदर में 2 अगुना, आई देखो डी एक्स बटे डी एक्स 1 लिखा है थे इसका मान 1, आई देखो प्लस 0 तो नहीं हो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 × 1 = 2, बाकी सब उतार दिए, यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या अब भारी लग रहा है ये सर, बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, जैसे ये को इस पे बताते हैं डी बटे डी एक्स सेक एक्स का क्या लिखाए थे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स यही लिखाए थे, ये प्लस मत समझिएगा टेन है, इस पे बताते हैं को, देखिएगा फलन सेक एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे माना y बराबर sec x स्क्वायर, फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटे dx sec x स्क्वायर, आप जानते हैं जो यहाँ है वही d के बगल में रहना चाहिए, तो sec x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर रहना चाहिए, यही x स्क्वायर ऊपर चला गया, नहीं ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेक सेक एक और सेक है, लेकिन ये बदला किसमें, सेक में भी और टेन में भी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा और टेन भी हो जाएगा, तो सेक एक्स है देखो यहाँ पर जो है वही ना सेक एक्स यहाँ पे लग गया, मतलब ये पूरे उतर गया, तो ये पूरे क्या है सेक एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स स्क्वायर उसके बगल में टेन, टेन हम लिखिए दिए, उसके बाद एक्स, ये एक्स कौन है, यही डी के बगल में जो है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यही वाला एक्स, तो डी के बगल में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, इसी को खाली सजा दीजिए 2x sec एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर हो गया आप लोगों का, नहीं बहुत आसान चैप्टर है डिफरेंशिएशन, खाली आप क्या सीखिए फंक्शन मिलाना सीखिए और मजा आ जाएगा। अभी इसमें सूत्र भी बहुत सारा है, आप लोग घबराएंगे नहीं, सूत्र तो हम देंगे। अब ऐसा करते हैं दो गो सूत्र लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत
ठीक ठीक आ रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। जैसे हम एक सूत्र लिखते हैं डी बटे डी एक्स यू इंटू वी, कोई फंक्शन यू और वी के रूप में रहेगा, तुरंत इसका मतलब समझाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि दूसरा को छोड़ दीजिए, दूसरा को क्या कीजिए छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ देखो ना सीधा सीधे वी को छोड़ देंगे, डी बटे डी एक्स लगाएंगे आगे वाले में, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, अब की बार यू को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे पीछे वाले में। हम इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला में डी बटे डी एक्स लगा दिए दूसरा को छोड़ दिए, अब फिर दूसरों में डी बटे डी एक्स लगा दिए पहला को छोड़ दिए। अभी देखिए अगर उदाहरण लेंगे तो और क्लियर होगा, या रहेगा यू बटे वी के रूप में, यू बटे वी के रूप में, इसको चार नहीं समझेंगे, यू लिखे हुए हैं हम एकदम सेम टू सेम, यही वी को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स यू में लगाइए, खाली प्लस के जगह क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, नीचे में वी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यही दो को सूत्र लिखे हुए हैं, इसको बनाते हैं फिर देखेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा, ये भी बहुत आसान है, घबराने की जरूरी इसमें भी नहीं है। सर ये क्या लिख दिए, वेरी वेरी इजी। सबसे पहले सूत्र को पढ़ना सीखिए, डी बटे डी एक्स, देखिएगा डी बटे डी एक्स यू इंटू वी बराबर वी को छोड़ दिए। ऐसे याद रखो ना कि कोई भी चीज होता है तो पहले पहला का ही होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बटे डी एक्स लगा रहे हैं तो यू इंटू वी रहेगा, पहले डी बटे डी एक्स किस में लगाइएगा पहला में, मतलब यू में डी बटे डी एक्स लगा दिए यू में, वी को छोड़ दिए, फिर क्या किए दूसरों में लगा दिए वी में डी बटे डी एक्स, तो यू को छोड़ दिए, हो गया यू इंटू वी फॉर्मूला। फिर सेकेंड है यू बटे वी का सेम टू सेम उतार दीजिए, खाली प्लस के जगह माइनस कर दीजिए नीचे में वी का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे रहेगा वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। तो देखिए y बराबर यहाँ देवे कि i नहीं दिया रहा था, हम लोग मान लेते हैं होशियार है ये हैं सब लोग, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आ देखो d बटे डी एक्स y इधर था इधर भी लगा दिए d बटे डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जरा सा हम देखेंगे वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है u इंटू वी का, कहीं चमक चुमक तो नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे, ये मान लीजिए मन ही मन कि ये u है और ये v है, तब फॉर्मूला क्या कहता है u इंटू वी, है देखो पीछे वाला को छोड़ दो, पीछे वाला कौन है v cos, है देखो cos को छोड़ दो, अब फिर उसके बाद क्या डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, अब यू यू मतलब क्या आगे वाला, आगे में क्या है साइन एक्स प्लस का चिन्ह, अब की बार यू को छोड़ दो, यू मीन्स क्या साइन एक्स, फिर डी बटे डी एक्स लगा दीजिए भी, भी मीन्स क्या, भी मीन्स क्या है कॉस एक्स, अब ये सब मिटा देंगे, आपको दिक्कत हुआ एक बार वीडियो पीछे कीजिए, पीछे करने जानवे करते हैं। पीछे कर लो रे कटक पास, अब यदि समझ में नहीं आया तो फिर से बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा जुट्टो का, देखो पीछे कर लो इसको, ये हम कैसे तोड़े, या फिर और कोई टेंशन है सर फिर से बताइए इसको, तो व्हाट्सएप कीजिएगा फिर से एक वीडियो बनाएंगे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नंबर तो हम अपना ये बोलते हैं,
अंग्रेजी में बोलने जानते हैं जो कि 8507006946, हिंदी में 85070069446। ठीक, ये लोग सोचता है खाली ऐसे बोलेगा 8507006946। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पैसा लगाए हैं सिम में, चुपचाप नंबर लिख के वापस चलो, समझ रहे हो ना। क्लास में तुम लोग ने अपमान भी नहीं लगता है पढ़ाने में। आई देखिएगा, काउस अक्ष को छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे का है? लिखा हुआ है, लिख दिए जो कि छोड़ दीजिए, लगता है कि चचा का बेटा है, कहीं छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। आई देखो, साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आता है? कॉस एक्स, एगो कॉस एक्स पहले था, एगो ई तो साइन के साथ आ गया, प्लस है, प्लस दे दिए, साइन एक्स को छोड़ दिए। आई इस कॉस एक्स का क्या होगा बोलो ना, कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब यहाँ लगा दिए माइनस साइन एक्स, बोलेगा सर यहाँ तो आपको फंक्शन नहीं मिला है, उधर जो तो हीरो बनते थे कि हाँ कॉस के बगल में जो है वही टिक बगल में रहना चाहिए। यही सब ना क्वेश्चन आ रहा है कि जब आपका मन होगा मिलाइएगा, जब आपका मन होगा नहीं मिलाइएगा। हीरो गरी आप ही चलेगा सर, ऑनलाइन क्लास है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास नहीं है, इसीलिए यहाँ हीरो गरी किसी नहीं चलेगा। चुपचाप ये देखो कि अब साइन के बगल में एक्स है तो यहाँ भी टिक बगल में एक्स है ना, यहाँ भी साइन के बगल सॉरी कॉस के बगल में एक्स है, यहाँ भी एक्स है ना। टेंशन कब होता है? जब यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तब ना यहाँ मिलाते हैं, या यहाँ पे दूसरा जैसा कोई चीज रहता। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस गुना माइनस, माइनस साइन स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में नहीं आया एक बार पीछे आइए और पीछे से फिर से वीडियो को देखिए। अब आते हैं इस नीचे वाले पे, यू बटे वी पे। देखिए हम लोग चाहे जैसे भी हो सिलेबस खत्म कर ही देंगे हम लोग, क्या खाली आईटीसी कोचिंग, आईटीसी बाकी का अलग किसी कोचिंग में नहीं हो पाएगा खत्म, बोलो ना खाली अपने बड़ाई करते हैं। चलिए आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों में भी बड़ाई करेंगे। चलिए देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं यू बटे वी पे। सबसे बड़ा बात है कि हम जब पतरा उतरा देते हैं उसमें भी मत दिया कीजिए, आपको किस पे ध्यान देना है सवाल पे जो लिख रहे हैं, y बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो बोलिएगा सर ये टेन एक्स हो ये गया, कुछ और टाइप कर लीजिए ना। अच्छा एक बार सामने वाला बनाओ ना, रहने दो यही, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अब कलन करें। है देखिए y बराबर देवे क्या है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, दोनों और एक्स के सापेक्ष अब कलन करने पर ये बात हम लोग लिखेंगे। फिर देखिए y बराबर, एकदम ध्यान से देखिए, y बराबर पहले से क्या था साइन एक्स बटे कॉस एक्स, उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, दोनों साइड हम लोग क्या लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप सूत्र पर ध्यान दीजिए, देखिएगा d बटे डी एक्स वो हम क्या लिखे हुए हैं साइन एक्स बटे कॉस, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले फॉर्मूला आप आते हैं d बटे डी एक्स यू बटे भी है, देखिए मान लीजिए कि ये u है ये भी है, फॉर्मूला क्या कहता है भी को छोड़ दीजिए, भी कौन है कॉस है, देखिए नीचे लिखते हैं इस जगह जरा सा चमक रहा था। फिर d बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, फिर u, u मतलब कौन साइन एक्स,
माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर यू को छोड़ दीजिए, यू मतलब कौन है, साइन एक्स, फिर डी बटे डी एक्स लगाइए, फिर भी, भी मीन्स क्या, कॉस एक्स बटे भी स्क्वायर, मतलब अब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे में कौन है, कॉस स्क्वायर कर दिया खाली। कोई दिक्कत हुआ तो एक बार पीछे आइए, मतलब वीडियो को पीछे करके देखिए। अब देखिए इस कॉस को छोड़ दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, इस साइन को छोड़िए, लिख दिए, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, एक बार ये आ चुका है इसलिए हम यहां जरा सा डायरेक्ट करेंगे, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स यहां लिख दिए, नीचे में कौन है, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान एक होता है, अब बटे कॉस स्क्वायर, तो एक बटे कॉस स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखिए आप उतार लीजिए, उसके बाद समझिएगा, उतार लिए मतलब वीडियो रोक लिए, रोक के उतार लीजिए, उसके बाद है देखिए हम किसको हल कर रहे थे, y बराबर साइन बटे कॉस, मतलब y बराबर टेन एक्स, इसमें d बटे डी एक्स लगाते हैं, d बटे डी एक्स लगाते हैं, तो टेन का क्या होता है, sec स्क्वायर है, देखिए ये भी sec स्क्वायर था ना, आसान था कि नहीं, ऐसा करते हैं, अब आप लोग जो है ना 5.2 पे आइए, जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है 5.2 का वीडियो बना हुआ ही है, हम ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, आईटीसी कोचिंग का जो ग्रुप है, अपने कोचिंग वाले ग्रुप में 5.2 का, ठीक। और जो बच्चे मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, और उसको 5.2 यदि यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं मिलेगा खोजने पर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो इस वीडियो में दिए हैं व्हाट्सएप नंबर, बहुत वीडियो में दिए हैं, अभी यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या कीजिएगा कि आप हाई लिख दीजिए, हाई सर 5.2 का वीडियो हमको नहीं मिला, हमको भेज दीजिए, आप चाहे मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप यदि व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, हाई सर 5.2 का वीडियो नहीं मिल रहा है, या फिर 1.3 का नहीं मिल रहा है, 1.2 का नहीं मिल रहा है, हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिएगा, तब ना हमको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कौन सा वीडियो नहीं मिल रहा है, या केमिस्ट्री का सर लेक्चर 1 नहीं मिल रहा है, लेक्चर 2 नहीं मिल रहा है, लेक्चर 3 नहीं मिल रहा है, लेक्चर 4 नहीं मिल रहा है, जौन सा लेक्चर नहीं मिल रहा है, या जौन सा वीडियो नहीं मिल रहा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी विषय का, तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए और हम आपको तुरंत भेज देंगे, जैसे आप भेजिएगा हम देखेंगे मैसेज। हाँ, 1-2 बच्चे का हुआ है कि लेट हो गया है वीडियो भेजने में, सर नहीं लेट हो गया है, वो लेट होने का ये कारण रहता है कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो मेरा पूरा डाटा ख़त्म हो जाता है जिस दिन अपलोड करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हैं लगभग 48 मिनट का या 50 मिनट का या 1.25 घंटा का, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं कोई कोई वीडियो 6 GB का हो जाता है, उसको चेंज करते हैं 2 GB तक आता है, GB मतलब 6 GB का हो जाता है, अभी ये जीठो वीडियो बना रहे हैं, यदि 40 मिनट के आसपास का हुआ होगा, हम तो नहीं देख रहे हैं कितना हुआ है, देखेंगे उधर तक, यदि 40 मिनट के आसपास का हुआ होगा तो वो 4 GB बन गया होगा, उसको कन्वर्ट करके हम 1.5 GB या 2 GB में, 1.5 से 2 GB में बदलेंगे, और 1.5 GB तो एक दिन का मिलियन करता है, इसीलिए थोड़ा सा जो है कि समझ पा रहे हैं सब बात। 5.2 आप बनाने का प्रयास कीजिए,
नहीं बनेगा इस वीडियो के बाद, आप ये वीडियो पहले देख लीजिए पूरा, आप देख लिए होंगे मेरा ये जो बात यदि सुन रहे हैं तो देखिए लिए होंगे, या हो सकता है कोई डायरेक्टर आगे करके यही बात सुन रहा हो, आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप 5.2 बनाइए, ठीक। 5.2 आपसे नहीं बनेगा तब आप बोलिएगा कि सर 5.2 हमसे नहीं बना है, हमको भेजिए, ठीक। और यदि आप हम आपको नहीं भी भेजेंगे फिर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत, आप सर्च कीजिए YouTube पे ITC कोचिंग कहलगांव 5.2 आपको मिल जाएगा। है ये आपका 2 सूत्र इस वीडियो में न्यू आया, यहाँ पर थ्योरी हम लोगों का खत्म हुआ 5.2 का। अगले वीडियो में देखेंगे 5.2, ठीक, उसके बाद 5.3 का थ्योरी, फिर उसके बाद 5.4 के आसपास चलेंगे।